हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल आज की क्लास का टॉपिक है डी बी एम एस डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए या इंटरव्यू के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास डी बी एम एस की फुल फॉर्म होती है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम डी स्टैंड फॉर डेटा बी स्टैंड फॉर बेस एम स्टैंड फॉर मैनेजमेंट एस स्टैंड फॉर सिस्टम डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम डी बी एम एस की डेफिनेशन क्या है डी बी एम एस प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस लाइक डेटा बेस क्रिएशन स्टोरिंग डेटा इन इट अपडेटिंग डेटा एंड क्रिएटिंग अ टेबल इन दैटा बेस एंड अ लॉट मोर तो डी बी एम एस जो है वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है जो परफॉर्म करती है बहुत सारे ऑपरेशंस जैसे कि डेटा को क्रिएट करना डेटा को स्टोर करना डेटा को अपडेट करना और टेबल क्रिएट करना डेटा के अंदर और बहुत कुछ तो डी एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है जिसपे हम बहुत सारे ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं अल्टरनेटिव हम कह सकते हैं इट कैन बी डिफ़ाइन एज अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम डैट स्टोर्स इंफॉर्मे एंड अलाउ द यूजर्स टू ऐड, डिलीट मॉडिफाई डिट्राइव एंड अपडेट द इंफॉर्मेन डीबीएमएस जो है वो एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और यूज़र को अलाउ करता है कि वो डेटा को ऐड भी कर सकते हैं डिलीट भी कर सकते हैं मॉडिफाई भी कर सकते हैं डिट्राइव भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को डी इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें हम बहुत सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं डी एम एस के आगे हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ डी बी एम एस फर्स्ट इज़ शेयरिंग ऑफ़ डेटा द डीबी एम एस सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करते हैं एडवाटेज़ ओवर द ट्रडिशनल फाइल सिस्टम ट्रडिशनल फाइल सिस्टम में कुछ डिसएडवांटेजेस थी जिसकी वजह से डी बी एम एस सिस्टम जो है वो आया था डेट इज डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम फर्स्ट एडवांटेज है शेयरिंग ऑफ डेटा इन डेटा बेस सिस्टम्स द डेटा इज़ सेंट्रली कंट्रोल्ड एंड कैन बी शेयर बाई ऑल ऑथराइज यूज़र्स डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डेटा जो है वो सेंट्रली कंट्रोल होता है और उसे हम शेयर करते हैं ऑल द ऑथोराइज यूज़र को सारे ऑथराइज यूज़र्स को डेटा जो है वो शेयर किया जाता है तो डीबीएमएस की जो है वो फर्स्ट एडवांटेज है शेयरिंग ऑफ डेटा नेक्स्ट एडवाटेज इम्प्रूवड डेटा इंटीग्रिटी डेटा इंटीग्रिटी मीन्स दैट द डेटा कंटेन इन द डेटा बेस इज़ बोथ एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट डेटा इंटीग्रिटी का मीनिंग ये है कि जो डेटा data है डेटा बेस के अंदर वो कंसिस्टेंट भी है और एक्यूरेट भी है इम्प्रूव्ड डेटा इंटीग्रिटी नेक्स्ट एडवांटेज इज इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी डेटा बेस सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग द डेटा कंटेन इन द डेटाबेस फ्रॉम अनऑथोराइज यूज़र्स डेटाबेस सिक्योरिटी का मीनिंग ये है कि डेटा को बचाना जो डेटाबेस के अंदर है किस्से फ्रॉम अनऑथोराइज यूजर्स डेटाबेस सिक्योरिटी मीनस प्रोटेक्टिंग द डेटा कंटेन इन द डेटाबेस फ्रॉम अनऑथोराइज यूज़र्स नेक्स्ट एडवाटेज कंट्रोल्ड रिजर्डेंसी इना डेटाबेस दिस डुप कैन बी केयरफुली कंट्रोल्ड डैट मीनस द डेटाबेस सिस्टम इज़ अवेयर ऑफ द रिडरडेंसी एंड इट्स एज्यूम द रिस्पांसिबिलिटी फॉर प्रोपेगेटिंग अपडेट्स ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में जो है वो डुप्लीकेशन हो जाती थी कॉमन डेटा आइटम्स की एक से ज़्यादा फाइल्स में जिसकी वजह से वेस्टेज होती थी बहुत सारी स्टोरेज स्पेस की लेकिन डी में ये प्रॉब्लम जो है वो कंट्रोल हो गई है कंट्रोल्ड रिडरडेंसी नेक्स्ट एडवांटेजेस इज इम्प्रूवड बैकअप एंड रिकवरी फैसिलिटीज दो इट्स बैकअप एंड रिकवरी सब सिस्टम द डेटा बेस सिस्टम प्रोवाइड्स द फैसिलिटी फॉर रिकवरिंग फ्रॉम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर तो बैकअप और रिकवरी फैसिलिटी जो है वो इम्प्रूव है डी बी एम एस में फर्स्ट इज़ इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी सेकेंड इज़ इम्प्रूवड सिक्योरिटी थर्ड इज कंट्रोल रिडोडेंसी नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड बैकअप एंड रिकवरी फैसिलिटीज और जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था दैट इज शेयरिंग ऑफ डेटा नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिसएडवाटेजेस ऑफ डी बी एम एस डिसवान्टजेस ऑफ डी बी एम एस फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी डीबीएमएस एड्स एन अडिश्नल लेयर ऑफ कम्प्लैक्सिटी टू द डेटा द डेटा स्ट्रक्चर में बिकम मोर कम्पलेक्स बिकॉज ऑफ द सेंट्रलाइज्ड डेटा बेस स्पोर्टिंग मैनी एप्लीकेशन्स इन एन ऑर्गनाइजेशन जो डी बी एम एस है वो एक अडिशनल लेयर जो है वो डेटा के अंदर एड कर देता है वो अडिशनल लेयर है कम्पलेक्सिटी की द डेटा स्ट्रक्चर में बिकम मोर कॉम्प्लेक्स DBMS बी एम एस सिस्टम जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बिकॉज ऑफ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की वजह से जो सपोर्ट करता है बहुत सारी एप्लीकेशन को इन ऑर्गेनाइजेशन तो फर्स्ट डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्सिटी नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ मोर डिस्क स्पेस द वाइड फंक्शनैलिटी एंड मोर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज द साइज ऑफ डी बी एम एस वाइल्ड फंक्शनैलिटी की वजह से और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होने के कारण जो डी का जो साइज है वो इंक्रीज हो गया है और जिसकी वजह से जो डिस्क स्पेस है वो हमें ज्यादा चाहिए यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ मोर डिस्क स्पेस नेक्स्ट डिसएडवांटेज है हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलीयर फेलीयर इज़ हाईली इम्पेक्टेड द डेटा बिकॉज इन मोस्ट ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन

फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिक फेलियर के कारण या डेटा बेस करप्शन के कारण डेटा बेस जो है वो डैमेज हो जाता है तो जो डेटा होगा वो भी लॉस्ड हो जाएगा फॉर एवर बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द डाटा स्टोर इन अंगल डेटा बेस एंड इफ द डाटा बेस डैमेज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फेलियर और डेटा बेस करप्शन देन द डेटा मे बी लॉस्ड फॉर एवर फर्स्ट डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्सिटी सेकेंड इज रिक्वायरमेंट ऑफ मोर डिस्पेस नेक्स्ट इज़ हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर तो ये था डी बी एम एस उसकी एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग